बीकानेर जिले के खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों का 10 अक्टूबर को पंचायती राज चुनाव होंगे। 31 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए सरपंच पद के उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन भरा गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक बसी ग्राम पंचायत 40 केवाईडी से रामेश्वर लाल गोदारा ने अपने समर्थकों के साथ सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए नामांकन दर्ज करवाया। पंचायत में आज भी शिक्षा, चिकित्सा व शुद्ध पेयजल को लेकर ग्रामीणों की बड़ी समस्या नजर आई है। सरपंच उम्मीदवार रामेश्वर लाल गोदारा ने कहा कि गांव में शुद्ध पेयजल, भूमि आवासीय पट्टे, डॉट कवरिंग सहित अनेक कार्य प्रमुखता से करवाए जाएंगे। 40 केवाईडी सरपंच पद के उम्मीदवार रामेश्वर गोदारा टुडे 24 से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। जिले की खाजूवाला पंचायत समिति के 31 ग्राम पंचायतों के चुनाव 10 अक्टूबर को होंगे। पंचायती राज चुनाव को लेकर सरपंची उम्मीदवारों के द्वारा यहां चुनाव प्रचार शुरू किया गया है। आज यहां पर नामांकन हुआ है 31 ग्राम पंचायतों के अंदर। खाजूवाला पंचायत समिति की जो 31 ग्राम पंचायतें हैं, आज वहां सरपंची उम्मीदवारों ने अपने नामांकन किए हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख होगी। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक बसी 40 केवाईडी ग्राम पंचायत, जहाँ आज भी कई सुविधाएं नज़र नहीं आ रही है। बात करें तो शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आज भी कई सुविधाओं से यह गांव वंचित है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक यह पंचायत आज भी कई सुविधाओं की बाट जो रही है। पिछले कई दिनों से यहां पर आप देख सकते हैं, अगर सड़क से कई जगह पर गांव में सड़क भी नहीं है, आवासीय भूमि पट्टे की एक बड़ी समस्या है। कई चीज़ों से आज भी यह ग्राम पंचायत वंचित है। अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, ग्राम की सरकार चुनेंगे तो मतदाता कहीं कहीं उत्साह भी है। एक बात करें तो कोविड-19 की पालना करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंस व मास्क का भी प्रयोग किया जा रहा है। हमारे साथ अनेक मतदाता भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं 40 केवाईडी ग्राम पंचायत क्या मुख्य समस्या नज़र आ रही है। 40 केवाईडी ग्राम पंचायत में मुख्य समस्या ये है, बॉर्डर का एरिया है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो है कि पानी की, जो यहाँ शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। हमारी यही समस्या है कि हमारी यही मांग है कि हम सबसे पहले तो इस पानी वाली समस्या को पूरा करवाएंगे। GLR है, जैसे वाटर बॉक्स है, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या है हमारी यहाँ की सड़कों की, गलियों की, नालियों की, उस समस्या को करवाएंगे। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या है हमारी, जैसे यहाँ के रेतीले टिब्बों के अंदर जो सिंचाई क्षेत्र है, जिसमें खालों का जो ब्लॉक हो रहे हैं मिट्टी से, उन खालों की डाट कवरिंग का काम है, वो करवाएंगे। उनके बाद में जो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि जो डाणियाँ हमारी बॉर्डर क्षेत्र की जो लाइट से वंचित रही हुई है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता ला के जुड़वाएंगे। और जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है, जो गरीब परिवार है, जो प्रधानमंत्री आवास सूची से भी कई लोग वंचित रहे हुए हैं, तो तुरंत प्रभाव से उन लोगों को पहले प्राथमिकता ला के और हम उन लोगों को जुड़वा के प्रधानमंत्री आवास की जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, उससे जुड़वाएंगे। नरेगा चलता है, नरेगा के अंदर हर गरीब तक राशन पहुंचे, ये भी इस पंचायत की एक बड़ी समस्या रही है। जो आप 10 अक्टूबर को जो चुनाव होंगे, किस तरीके का आपको सरपंच चाहिए? सरपंच ईमानदार, सच्चा चाहिए और काम करने वाला भी चाहिए। तो हमारी मांग सुने, आज अल्दीन की स्कूल है 10वीं जी को, सड़क टूटी पड़ी है, गरीबा ने कोई सहायता नहीं मिल रही है, कोई नरेगा चाले नहीं, कोई और नहीं, तो ईमानदार और सच्चा भक्ति चाहिए हमें। खाजूवाला पंचायत समिति की दूर दराज की ग्राम पंचायत 40 केवाईडी आज भी कई सुविधाओं की बाट जो रहा है। यहाँ पर शिक्षा व चिकित्सा के नाम पर कुछ भी सुविधाएं नज़र नहीं आ रही है। ग्रामीणों की मांग है कि हमें ऐसा सरपंच चाहिए जो इस क्षेत्र के विकास कार्य के नए आयाम स्थापित कर सके। हमारे साथ यहां पर रामेश्वर गोदारा हैं, जो उम्मीदवार हैं, आज इन्होंने नामांकन भरा, युवा हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं गांव में बड़ी समस्या है, आपकी पहली क्या प्राथमिकता रहेगी? सर, गाँव में, ग्राम पंचायत में प्रथम हमारी विकास, गाँव का विकास करवाना ही सबसे प्रथम हमारी मतलब है। डाट कवरिंग चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आज भी कई सुविधाओं का अभाव है। डाट कवरिंग, खाड़ा डाट कवरिंग की एक बड़ी समस्या है। रेतीले दोरों के बीच में यह ग्राम पंचायत बसी है, बहुत सारी समस्या यहां पर नज़र आ रही है। किस तरीके की आप प्राथमिकता देंगे कार्य को? देखिए सर, यहां गांव नहरी क्षेत्र में ये एरिया है, जो सबसे मतलब यहां रेतीले टिब्बे हैं, नहर का अंतिम छोर है। यहां तमाम रेतीले टिब्बों की वजह से जो खाले हैं वो रेत से डटे हुए हैं। तो हमारी जो इन्होंने समस्या रखी है, ग्रामीण जो बता रहे हैं डाट कवरिंग की,
तो सबसे प्रथम हमारी इस समस्या का समाधान करवानी हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे शुद्ध पेयजल, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी या कोई सड़क संबंधी है, जो भी समस्या है, या नरेगा संबंधी है, जैसे कोई इंदिरा आवास भी है, इंदिरा आवास संबंधी है, जो भी समस्याएँ होंगी उन समस्याओं को निराकरण करवाना ही हमारी सबसे बड़ी पूरी पंचायत की प्राथमिकता को हम सदैव मतलब उस मांग को उठाएंगे और उसका समाधान करेंगे। सिंचित इलाके की ग्राम पंचायत 40 KYD, इनका कहना है कि खाड़े की डाट कवरिंग और जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों तक आवास बनाए जाते हैं, इनकी समस्या हम सबसे पहले प्राथमिकता से पूरा करेंगे। अन्य ग्रामीण भी हमारे साथ इनसे जानना चाहते हैं, ऐसी क्या मुख्य समस्या है जिसे आप उम्मीद करें अभी आने वाले जो सरपंच चुना जाएगा 10 तारीख को हमारी समस्या को हल करें। बिल्कुल, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं प्रमुख तौर से है, क्योंकि यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी तक कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और न ही अपने आसपास किसी पंचायत में इतना बड़ा कोई चिकित्सालय है, डॉक्टरी की सुविधा नहीं है। तो प्राथमिकता के तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को हम रखेंगे सरपंच साहब के सामने कि वो स्वास्थ्य सेवाओं संबंधित सभी समस्याओं का समाधान जल्दी करें। शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा की इस दूरदराज ग्राम पंचायत में बड़ी समस्या है। ग्रामीणों को कहीं ना कहीं इन आने वाले दिनों में जो ग्राम की सरकार चुनेंगे 10 अक्टूबर को, तो इनकी कहीं ना कहीं ये आश्वासन भी रहेगा और उम्मीद भी रहेगी कि आने वाला सरपंच हमारी समस्या का निदान करे। हालांकि अभी सरपंच साहब ने बताया है कि अनेक ऐसी कार्य हैं जो हालांकि इस क्षेत्र के अंदर प्राथमिकता से कराएंगे, ऐसी क्या मुख्य समस्या आप मानते हैं गाँव के अंदर जो सबसे पहले आप करवा पाएंगे? सर, एक तो शुद्ध पेयजल, हर व्यक्ति को यहाँ पानी नहर का अंतिम छोर है, डिग्गियों में पानी है वो नहर से ही भरे जा रहे हैं और पूरी डिग्गियों में मतलब काई जमी हुई रहती है। इससे अपन सब लोग भयंकर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिले, ये हमारी मतलब प्रथम जो है प्रथम एजेंडा रहेगा, इसका समाधान करवाना, प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल मिले। बिल्कुल, 40 KYD ग्राम पंचायत के उम्मीदवार रामेश्वर गोदारा का कहना है कि सबसे पहले अगर हमें सरकार इस 10 अक्टूबर को हमें सरपंची का मौका मिलता है तो शुद्ध पेयजल जो एक बड़ी समस्या है उसका निदान करवाया जाएगा। शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। सिंचित इलाका होने के साथ साथ डाट कवरिंग की एक बड़ी समस्या, भूमि आवास या पट्टे इत्यादि अनेक समस्याओं से भरपूर है। हालांकि सबसे पहले प्राथमिकता से ये कार्य करवाने का आश्वासन भी यहाँ पर दे रहे हैं। टुडे 24, सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।